सोनीपत पहुंचा आर्मी कैप्टन चैतन्य शर्मा का शव। कैप्टन चैतन्य शर्मा परिवार का इकलौता पुत्र था। हिमाचल के धर्मशाला में खाई में गाड़ी गिरने से हुआ ये हादसा। हादसे में कैप्टन की मौके पर ही मौत हो गई। राजकीय सम्मान के साथ किया गया कैप्टन चैतन्य शर्मा का दाह संस्कार। सोनीपत की जैनबाग कॉलोनी के रहने वाले आर्मी कैप्टन चैतन्य शर्मा का शव उनके घर पहुंचा। हिमाचल के धर्मशाला में खाई में गाड़ी गिरने से हुए हादसे के बाद कैप्टन चैतन्य शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। राजकीय सम्मान के साथ किया कैप्टन चैतन्य शर्मा का दाह संस्कार। कैप्टन चैतन्य शर्मा परिवार का भारत माता के जय। भारत माँ का वीर सपूत अमर है। इकलौता पुत्र था। कैप्टन की मां ने कहा कि जवानों की शहादत पर पार्टियां राजनीति ना करें। बॉर्डर पर जवान अपनी जान न्योछावर करते हैं तब देश महफूज रहता है। कैप्टन की मां ने सभी रिश्तेदारों को रोने से किया मना और कहा कि बेटे को सैल्यूट करें। वहीं देश के लिए कुछ करना चाहता था चैतन्य केशव शर्मा। तस्वीरें सोनीपत के एक शमशान घाट की है जहाँ पर कैप्टन चैतन्य शर्मा राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। चैतन्य शर्मा सोनीपत के रहने वाले थे और आर्मी में कैप्टन थे। हिमाचल में उनकी गाड़ी खाई में गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। कैप्टन की मां ने कहा कि हम अपने देश में तभी महफूज रहते हैं जब देश की सीमा पर हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं और जवानों की शहादत पर राजनीति पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैप्टन चैतन्य शर्मा की मां ने सभी रिश्तेदारों को रोने तक मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा देश के लिए कुछ करना चाहता था। मेरा बेटा चैतन्य, कैप्टन चैतन्य केशव, देश के लिए ही बना था लेकिन उसकी उम्र बहुत कम रह गई। मैं सोच रही हूँ अगर उसकी उम्र और ज़्यादा होती ना तो वो देश के लिए कुछ ज़्यादा करके चला जाता। वो बहुत कुछ करना चाहता था, हम सबकी इच्छाएं थी। मैं नहीं, मेरे सारे घर वाले, मेरे गली वाले, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब उस पर जान छावर करते थे। वो बहुत हसमुख बच्चा था, जहाँ गया वहीं पे उसने अपना नाम कमाया। एलओसी पर था कैरन सेक्टर में, गोली सिर के ऊपर से चली गई, बच गया। डरता नहीं था, घर में तो मजाक लगता ही नहीं था, वो एक आर्मी ऑफिसर है। गली में आता था, सबके पैर छूता था, सबसे बात करता था, बच्चों से बड़ों से सबका दोस्त था। आज सारे रो रहे हैं पर मैं कह रही हूँ रोना नहीं है। वो रोएंगे कि हम क्यों रोए, क्यों रोना है हमें। बस मैं एक चाहती हूँ कि ये जो देश के लिए जवान शहीद होते हैं, बस मेरे देश के नेताओं से ये प्रार्थना है कि वो इसमें कोई राजनीति ना करें। देश के जवानों के लिए उसको पूरा खाना, उसको पूरा रहन सहन, उसके लिए ध्यान दें। देश का जो जवान है, अगर सीमा पर वो जवान ना हो ना आज, तो आज कोई सो नहीं सकता चैन से। हम जो घरों में चैन से सोते हैं ना, उसे कौन सुलाता है? वो सुलाता है चैन से, सीमा पर जो खड़ा है। ऐसे ऐसे जवान देश के, हर माँ अपने बच्चों को भेजती है क्या नौकरी के लिए?
10-15-20 हजार रुपए वो यहाँ भी कमा सकता है, 50-60 हजार रुपए यहाँ कमा सकता है आराम से। मेरे बेटे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, वो किसी कंपनी में कमाता 50-60 हजार लाख रुपए कमाता, लेकिन नहीं पैसा नहीं, देश चाहिए था इसीलिए भेजा था। बस कोई जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो देश के जवानों की जान की कीमत को समझें। ये मेरी सबसे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इस बारे में कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी देश के किसी भी स्ट्राइक के लिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई स्ट्राइक हो, उसके लिए गंदी राजनीति करके अपनी वोट बैंक को ना बनाएं। बस मेरी यही इच्छा है।